बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पावर बीए के अंदर आज हम कुछ विजुअल्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली डेटा डाउनलोड किया है, वो डेटा है सुपर स्टोर डेटा सेट है। वो सुपर स्टोर का ये तकरीबन 10,000 रोज़ के लगभग डेटा है, और इसमें डेट का पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, डेट की डायमेंशन हैं, अदर डायमेंशन काफ़ी सारी हैं, और दो तीन तरह के कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं जिनको हम कर लेंगे। इसको डाउनलोड कहाँ? अच्छा, अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ यही डेटा डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और इसके बाद आने वाली पावर बी आई की जो इस डेटा के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारी की सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। तो आप वहाँ पर जाइएगा और जाके डेटा डाउनलोड कर लें। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये सैम्पल डेटा सुपर स्टोर के नाम से ये CSV फाइल है 2.29 MB की, और ये आपके पास इस शेप में आ जाएगी सैम्पल सुपर स्टोर में। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ यूँ नज़र आएगी। मैं ज़रा आपको पहले डेटा दिखा दूँ, फिर उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। ब्राउज, और ये डेटा मेरा पड़ा हुआ है डाउनलोड्स के अंदर। CSV फाइल, पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ, ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर आप क्या क्या किस किस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रो आईडी है, उसके बाद ऑर्डर आईडी है, उसके बाद ऑर्डर डेट है, और शिपमेंट डेट है। अब ये दो डिफरेंट डेट्स हैं, इसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। शिपमेंट मोड क्या है, इसके ऊपर मैं ज़रा फिल्टर लगाऊँ और आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर चार तरह के शिपमेंट मोड आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकंड क्लास है, और स्टैंडर्ड क्लास है। अब ये क्लास की आगे बाइफरकेशन क्या है कि उसमें कितने दिन में होगा, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर आप सप्लाई चेन से हैं तो मे भी आपको इसका आइडिया होगा। फिर कस्टमर की एक आईडी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कस्टमर का नाम मिल जाएगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मोस्टली हम यूज़ नहीं करते अपने एनालिसिस वगैरह में, लेकिन फिर भी अगर आपने टॉप कस्टमर जो कि बार बार परचेजिंग कर रहे हैं उनको निकालना है कि वो कौन से हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेगमेंट कौन सा जी? कंज्यूमर है, कॉपरेट है, या होम ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं। कंट्री में एक यूएस ही आ रहा है, और सिटी के अंदर आप देखें तो सिटी के अंदर मल्टीपल सिटीज़ आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्टेट देखें तो मल्टीपल स्टेट्स भी हैं आपके पास। पोस्टल कोड आ रहा है, अगर आपने ये सेम चीज़ मैप पर भी ड्रॉ करनी है तो आपके पास स्टेट भी है, सिटी भी है, कंट्री भी है, पोस्टल कोड भी है, तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर रीजन है, रीजन लेवल पर आप इसके एनालिसिस कर सकते हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बहुत परफेक्ट डेटा है आपकी एक रिपोर्ट के लिए, और आप जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो आपको ई कॉमर्स का या स्टोर मैनेजमेंट का डेटा ऑलमोस्ट ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा। फिर प्रोडक्ट आईडी है, इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी है, थ्री कैटेगरीज आर देयर, सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में काफ़ी सारी आ जाती हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है। अच्छा, अब प्रोडक्ट नेम की भी अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट नेम भी हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालनी हो। मे बी स्टेट वाइज हम निकाल रहे हैं, मे बी हम सिटी वाइज निकाल रहे हैं, या हम कैटेगरी वाइज निकाल रहे हैं कि टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। अब आ जाते हैं वो कॉलम जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेल्स, फिर क्वांटिटी, फिर डिस्काउंट्स। अच्छा, डिस्काउंट जो है ये परसेंटेज में है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डिस्काउंट जो है ये परसेंटेज में है, और फिर प्रॉफिट कितना आया इसमें। ये चीज़ें आपको जो है वो ये चार कॉलम ये आपको अलाउ करेंगे कि किस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है। डेट के दो कॉलम हैं जी आपके पास, तो डेट की डायमेंशन भी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर आपके पास अदर डायमेंशंस भी हैं, और इसके अंदर चार कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। अब चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर पावर बी आई की तरफ, और ये डेटा हम गेट करते हैं पावर बी आई में। पावर बी आई डेस्कटॉप ओपन करें, और ये डेटा जो है ये बेसिकली CSV फाइल है। तो हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से टेक्स्ट CSV का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उसी फोल्डर में ये डाउनलोड देखें। डाउनलोड के अंदर सैम्पल सुपर स्टोर के नाम से ये डेटा पड़ा हुआ था, मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको मैंने गेट कर लिया। अब जब मैं गेट करूँगा तो मेरे पास उसके जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप टॉप 200 रोज़ की बेस के ऊपर डिटेक्ट करता है, जो कि इसका डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये बड़ा बेस्ट है, बेस्ट इन द सेंस के अगर आप ऑल डेटा के ऊपर जाते हैं और मे बी किसी रो में जाके एरर आता है तो आपका डेटा टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
तो यहाँ पर ये होगा कि अगर आपकी टॉप 200 रोज़ हैं तो मोस्ट लाइकली एरर कोई नहीं होगा उस डेटा में, और वो नंबर को एज अ नंबर ट्रीट करेगा और डेट को एज अ डेट ट्रीट करेगा और बाकी टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट करेगा। डिलिमिटर इसका कॉमा है, इससे आपका कोई वो नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। जो मेन चीज़ है वो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसल। लोड ये सिंपली आप लोड कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म का मतलब यह है कि अगर आप लोडिंग से पहले कुछ डेटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं पावर क्यूरी एडिटर के अंदर, तो फिर आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। मैं इसको फिलहाल लोड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं लोड करूँगा तो मेरे पास राइट साइड पे इसकी फाइल आई। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाना सिखाया था, वो फॉर्मेट भी साथ साथ हम बनाते रहेंगे, लेकिन वो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जहन में रखिएगा। लेकिन जो विजुअल्स की ट्रेनिंग है ये आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये विजुअल्स की ट्रेनिंग आपने इसी तरह से लेनी है। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है या लेसन नंबर 4 है, इस लेसन नंबर 4 के सब लेसन्स होंगे जो कि 10 15 या 20 लेसन हो सकते हैं। आपने हर एक को बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे राइट साइड पे देखें फील्ड्स के अंदर वो सारी फील्ड्स आ गई हैं। अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनके साथ सिग्मा का साइन आ रहा है। ये सिग्मा का साइन का मतलब क्या है कि ये सम हो सकती है, एवरेज हो सकती है, मैक्सिमम लिया जा सकता है, मिनिमम लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर आप देखें तो कैलेंडर बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि डेट का कॉलम है ये, एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारा डेटा है, और रिपोर्ट का जो पेज का हमारा फॉर्मेट था वो हम वैसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे समरी पेज, तो आपने भी इसी तरह से एक समरी पेज बना लेना है इसका। उसके बाद टॉप पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम इसका हेडर्स ऐड करते हैं, और हेडर के लिए मैं जाऊंगा शेप्स में, और ये देखें शेप्स, इंसर्ट, शेप्स और रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि रिपोर्ट के ऊपर ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब मैं थीम थोड़ा सा इसमें चेंज करने जा रहा हूँ। थीम के लिए मैं क्या करूँगा कि इस शेप का जो कलर है, सॉरी स्टाइल में जाऊँगा। अब ये देखें ये फॉर्मेट में होगा, तो इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कुछ यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कलर को लेके चल रहा हूँ हेडर के लिए। इसका मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर इसका मैं हटा देता हूँ। अब ये मेरे पास इसका हेडर आ गया। हेडर के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, तो टेक्स्ट के तौर पर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, W3 स्किल सेट ऑनलाइन स्टोर। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से आप देखें ये टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है उसके नीचे इसका साइज आ रहा है, तो मैंने इसका साइज कर दिया 20, आई थिंक फेयर एनफ है। उसको अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड कर लें। कुछ क्लाइंट आपको कहेंगे कि जी आप जो हेडर है इसको लेफ्ट पे रखें, कुछ राइट पे रखेंगे और कुछ सेंटर में करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेंटर में ऐड करना हूँ। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फॉन्ट है इसी को लेके चलें, चेंज करना चाहें या क्लाइंट की अगर डिमांड है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा, मैं इसी शेप को डुप्लीकेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊँगा इतना, और इस शेप को मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो मैं दोबारा स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ ये। अच्छा, अगर मैं ये कलर नहीं भी करता फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझे उसी कलर को थोड़ा सा पहले मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँ और फिर इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँगा, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ लेट से 70%। अब मेरे पास ये थीम ऑलमोस्ट जो है वो मैचिंग हो गया उसके साथ। नेक्स्ट स्टेप हमारा पहला विजुअल वो है कार्ड। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेटा को समराइज करते हैं, हाई लेवल समरी दिखाते हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आपने टॉप नंबर्स दिखाने हैं, वो नंबर दिखाने हैं जो टोटल नंबर्स होंगे, तो आपने टोटल्स यहाँ पर शो करने हैं। उसके लिए हमारे पास चार तरह की चीज़ें हैं, मे बी हम कुछ आगे चल कैलकुलेट भी करें डेक्स में। फिलहाल हम उन चारों में से तीन को ले रहे हैं, क्वांटिटी, प्रॉफिट और जो रेवेन्यू या सेल्स है। तो मैं तीन कार्ड ऐड करूंगा। पहला कार्ड मेरा ये आ गया जी। इस कार्ड के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास सिग्मा के सेल आ रही है, तो मैं सेल को इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो ये पहला मेरा नंबर सेल्स का बन जाएगा।
जो कि 2.3 मिलियन है। इस कार्ड का साइज़ हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा और ये हमारा कार्ड साइज़ होगा, यहाँ पे इसको रखता हूँ। अब थोड़ा सा ये कर लेंगे कि इसको फॉर्मेट करते हैं। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ये विजुअल्स में जो डेटा आपने ऐड करना है ये वो है, फील्ड सेटिंग्स कह सकते हैं, ऐड डेटा विजुअल्स कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मेट योर विजुअल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने से आपके पास दो टैब आते हैं, पहला टैब है विजुअल्स का और दूसरा है जनरल का। विजुअल्स के टैब के ऊपर अगर देखें तो कॉल आउट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब कॉल आउट वैल्यू जो है वो 45 है, हम इसको कम करके 30 कर देते हैं ताकि ये ज़रा मुकम्मल तौर पे वाजे हो जाए। उसके बाद कॉल आउट वैल्यू के बाद कैटेगरी लेबल आ रहा है, मैं कैटेगरी लेबल को ऑफ करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं शो करना, मुझे इसके टॉप पर शो करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, दूसरा जनरल का ऑप्शन है और इसमें टाइटल आ रहा है, टाइटल को ऑन करूँगा, एक्सपेंड करूँगा और यहाँ पर इसका टाइटल लिखूँगा टोटल सेल्स। अब ये जो टोटल सेल्स है इसका जो फॉन्ट साइज 14 आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसका सिंपली जो मैंने टेक्स्ट है इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब टोटल सेल्स और उसके नीचे जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं। उसके बाद जी हेडिंग 3 थी, इसको हम अगर हेडिंग 2 में करें तो ठीक है, वो साइज़ हमने यहाँ से एडजस्ट कर दिया था। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाइट ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इस तरह से तो आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप वाइट रहने दें। मैंने अंडू कर दिया। अब फर्दर इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएँ तो प्रॉपर्टी में जाके आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इस कार्ड की लेंथ और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं जो कि हमने मैनुअल की थी। अब जैसे अगर आप इसको मैं ज़्यादा यूनिफॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं 90 और 200 कर दूंगा इसको, तो ये एक ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन चीज़ हो गई है। इफ़ेक्ट्स में अगर हम बात करें, इफ़ेक्ट्स में आप बैकग्राउंड इसका दे सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँ तो मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ, मैं फ़िलहाल दे नहीं रहा, मैं इसको अनडू करता जाऊँगा। विजुअल्स के बॉर्डर दे सकता हूँ, अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो इस तरह से ये देखें ये बॉर्डर इसके आगे ड्रा हो गया। और अगर मैं इसको एक शेडो देना चाहूँ, कुछ क्लाइंट इसको लाइक करते हैं और कुछ इसको लाइक नहीं करते, तो मैं शेडो भी ऑन कर सकता हूँ। अब ये देखें ये सतह से उठा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाह रहे हैं या आपका क्लाइंट कैसा करना चाह रहा है। आई वुड से कि मुझे शेडो ऑन नहीं करना, मुझे बॉर्डर को मैं लेके चलता हूँ, और लेकिन बॉर्डर के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा, काम ये करूँगा कि इस वक्त ये बॉर्डर जो हैं ब्लैक कलर में है, तो मैं इसको ब्लैक कलर में नहीं रखूँगा, मैं इसको ग्रे या लाइट सा कलर दे दूँगा इस तरह से। तो ये मेरा पहला विजुअल बन गया। अब इसी विजुअल को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी के साथ, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं कॉपी विजुअल, और इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक से या कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूँगा। अब जब मैंने पेस्ट किया तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करता हूँ। सेल्स नहीं अब मैंने इसमें ऐड करना, मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड करनी है। तो अब देखें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो क्यू है यहाँ पर, ये आ गया, मैंने क्वान्टिटी ऐड कर दी, यानी कि 38 के क्वांटिटी सेल हुई थी और 2.3 मिलियन का की सेल जनरेट हुई या रेवेन्यू जनरेट हुआ। और अब एक और इसी तरह का विजुअल बनाते हैं जो कि हम यहाँ पे रख लेते हैं, और इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई, टोटल सेल्स, उसके बाद क्वांटिटी, और ये अब इसके ऊपर भी टोटल सेल लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर भी टोटल सेल है और तीसरे के ऊपर भी टोटल सेल है। तो ये चीज़ें हमें जाके फॉर्मेट पे चेंज करनी होंगी। फॉर्मेट में जाएं, जनरल में जाएं, टाइटल में, और ये है जी क्वांटिटी, और ये है हमारा प्रॉफिट। अब ये तीन चीज़ें आ गई। इस विजुअल को यहाँ पे ले आएं और इस विजुअल को थोड़ा सा इस जगह पे ले आएं। अब तीनों को आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल की के साथ। अब ये मैं आपको इसकी अलाइनमेंट बताने लगा हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे और उसके बाद आपने अलाइन पे क्लिक करना है। अलाइन के बाद इसको आपने अलाइन टॉप कर लें ताकि वो ऊपर से एक ही उसमें आ जाए, और फिर दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे। अब इनके दरमियान में जो गैप है ना ये एक इक्वल हो गया है, थोड़ा सा इन दोनों को हम राइट करते हैं ताकि ये
साइड से एक जैसा डिस्टेंस आ जाए। अब तीन चीज़ें हमने बना ली कार्ड के अंदर, बहुत सिंपल वीडियो थी, आपने प्रैक्टिस करनी है, डेटा आपने डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने आपको बता दिया कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ये डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉप पे इसलिए रखा है ताकि सब लोग आसानी से इसको एक्सेस कर सकें। अब हम ग्राफ ऐड करेंगे, चार्ट ऐड करेंगे, जो बार चार्ट्स हैं, वो कॉलम बार हो सकते, कॉलम चार्ट भी हो सकते हैं, वो बार चार्ट्स भी हो सकते हैं। अब इसमें ना दो तरह के होते हैं, कॉलम चार्ट वो होता है जिसकी रोज़ या जिसके जो ग्राफ है वो वर्टिकल होते हैं, और बार चार्ट वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये इनमें डिफरेंस है, कॉलम चार्ट और बार चार्ट ये दो तरह के होते हैं, एक स्टेक्ड होते हैं और एक क्लस्टर्ड होते हैं। अब स्टेक और क्लस्टर्ड में फ़र्क क्या है? सबसे पहले अगर ये देखें तो ये स्टेक्ड बार चार्ट है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और तीसरे के ऊपर चौथा, जो जो डायमेंशंस हैं वो प्लेस होती हैं। अगर आपके एक KPI या एक जो नंबर है उसके मल्टीपल लेजेंड्स हैं तो वो एक ही बार में नज़र आएंगे, प्रैक्टिकल में आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। और दूसरा होता है क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब क्लस्टर्ड में क्या होता है, आपने लेजेंड एक रखा था, सॉरी लेजेंड मल्टीपल थे, नंबर एक था, तो उसके मल्टीपल बार या मल्टीपल कॉलम बनेंगे, एक कॉलम में वो सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब हमारे पास कैटेगरी भी आ रही है, हमारे पास कंट्री भी है, हमारे पास रीजन भी है, तो हम कैटेगरी को लेकर चलते हैं, कैटेगरी वाइज इसका चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम इसमें ये चार्ट ऐड कर लेते हैं, और इस चार्ट को हम कुछ इस साइज तक ले जाते हैं। ठीक है, इसका साइज हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, लेकिन वो फॉर्मेट में जाकर कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है। अगर आप देखें ऐड डेटा टू योर विजुअल्स वाले, यहाँ पर एक्स एक्सेस हैं, वाई एक्सेस हैं, लेजेंड्स हैं, स्मॉल मल्टीपल्स हैं, टूल टिप्स, और क्रॉस रिपोर्ट है या नहीं है। ये क्रॉस रिपोर्ट क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विजुअल्स की कोई एक डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करें और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर जाके फिल्टर अप्लाई हो जाए, तो फिर हम इसको क्रॉस फिल्टर ऑन कर लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारी एक पेज जो है, रिपोर्ट क्या चीज़ है, रिपोर्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस। अगर आपका ये एक रिपोर्ट बिल्ड हो रही है, इसके अंदर अभी तक एक पेज है, मैं 10 पेजेस भी ऐड करूँगा तो वो 10 के 10 पेजेस एक रिपोर्ट का पार्ट होंगे। तो अगर आप ये चाहें कि आपकी रिपोर्ट के अंदर जितने भी आपने विजुअल्स ऐड किए हैं वो हर विजुअल दूसरे से लिंक हो जाए, एक के विजुअल में एक चीज़ सेलेक्ट करने से बाकी चीज़ें समराइज हो जाएँ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको क्रॉस रिपोर्ट कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अच्छा, सबसे पहले कैटेगरी में मैं जाके एक्स एक्सेस ऐड करने लगा हूँ। मैंने कि एक्स एक्सेस कैटेगरी कर दी और मैं सेल्स को वाई एक्सेस में रखता हूँ। तो मेरे पास टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज, इसके तीन ग्राफ बन गए हैं। ये देखें, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं ताकि एक तो हमारा ये इस तरह से फॉर्मेट हो जाए, दूसरा विजुअल थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। और क्या चीज़ थी हमारे पास, स्टेट में बहुत ज़्यादा है, अगर चलें फिलहाल ये, अच्छा ये जो स्टेप मैं करने लगा हूँ ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करने लगा हूँ कि मैं इसमें रीजन ऐड करता हूँ लेजेंड के अंदर। अब ये देखें मल्टीपल बार्स बन गए, इसके सेंट्रल का अलग बन गया, ईस्ट का अलग गया, साउथ अलग गया और वेस्ट अलग गया। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता तो फिर क्या हुआ, आई होप कि आपको स्टेक और क्लस्टर का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। अब ये हमारे पास टेक्नोलॉजी का नंबर आ गया, ये फर्नीचर का है और ये सप्लाईज का है। अब मैं टोटल सेल्स को इसमें दिखाने की बजाय अगर पाई चार्ट में दिखाना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं सिंपली पाई चार्ट पे क्लिक करूँ तो ये पाई चार्ट में आ जाएगा कितना रेवेन्यू सेल्स है, सेल्स का जो रेवेन्यू है कितना टेक्नोलॉजी से आया, कितना फर्नीचर से आया और कितना ऑफिस सप्लाई से आया। तो ये तीन तरह के रेवेन्यूज आ गए। अच्छा चलें, इसको फिलहाल हम पाई चार्ट में लेके चलते हैं। अब इसके फॉर्मेट पर आ जाएँ, फॉर्मेट में आके सबसे पहले आप यहाँ पर देखें लेजेंड्स ऑन है। लेजेंड अगर आपको चाहिए तो रखें, नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं इस तरह से,
लेकिन अगर आपको चाहिए और आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, ओपन करें और इसमें देखें ये पोजीशन आ रही है इस वक्त सेंटर राइट है, आप इसको टॉप पे भी ले जा सकते हैं कुछ यूं, आप इसको बॉटम पे भी ले जा सकते हैं जो कि इस तरह से है, या आप इसको लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अच्छा, टॉप और बॉटम पे रखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपका जो विजुअल है ये ज़रा बड़ा नज़र आएगा। टेक्स्ट है उसके बाद आ जाता है, टेक्स्ट आपका फॉन्ट उसका 10 है और कलर उसका ये आप देख लें, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा इसका कलर चेंज हो गया। और बोल्ड करना चाहूँ तो ये बोल्ड भी हो जाएगा इस तरह से। टाइटल ऑन है लेकिन टाइटल जो ठीक है, और डिटेल लेबल्स हैं और लेबल आउटसाइड हैं, हम इसको बेस्ट फिट ना कर दें कहीं, प्रेफर इनसाइड प्रेफर आउटसाइड, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। आई बिलीव कि ये वाला जो है ये ज़्यादा बेहतर है, इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि। अच्छा, ये जो पाई चार्ट है ना, हमने कॉलम चार्ट तो डिस्कस किए, पाई चार्ट में भी दो तरह के चार्ट हैं आपके पास, सिंपल पाई भी है और डोनट चार्ट भी। अब जैसे मैं अगर वापस जाऊँ इनपुट डेटा पे, तो ये पाई के राइट साइड पे डोनट चार्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का बन जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसमें से कौन सा बेहतर लगता है, आप चाहते हैं कॉलम चार्ट हो, आप चाहते हैं पाई चार्ट हो, या आप चाहते हैं डोनट चार्ट हो, जो भी आप चाहते हैं या जो आपका क्लाइंट चाहता है वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। समरी से इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं ताकि हम मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कैटेगरी थी वो गायब हो गई है, कैटेगरी को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सारा ठीक से नज़र आए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इसका जो टॉप पे टाइटल नज़र आ रहा है, जब भी आपने फॉर्मेट करना है तो पहले आपको विजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जब नया विजुअल आपने ऐड करना है तो आपने एग्जिस्टिंग विजुअल को डिसलेक्ट करना है, अदरवाइज वो उसके ऊपर ही एक नया विजुअल ड्रॉ कर देगा। अच्छा जी, अब दोबारा फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से हम ये टाइटल हमारे पास ऑन है, सेल्स बाय कैटेगरी हेडिंग 3, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। सेंटर में करने के साथ ही हम अपना वही जो थीम था उसको फॉलो करते हैं और इस तरह से इसको ऐड कर लेते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी, और यहाँ तक ये इसको मैं ले आता हूँ, और यहाँ से आई बिलीव कम अज़ कम इतना इसको रखना चाहिए। अब इसका ज़रा साइज़ देख लेते हैं, जनरल में जाके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आ रहा है जी हाइट 193 और ये 419 है, इसको मैं करने जा रहा हूँ 450 और इसको मैं करने जा रहा हूँ 200। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और एक नए सिरे से ड्रॉ कर दूँगा, और आई थिंक इसको मुझे यहाँ पे रखना चाहिए, अलाइनमेंट ठीक है। अब पहले हमने सेल्स बाय कैटेगरी ली थी, अब हम लेंगे क्वांटिटी बाय कैटेगरी, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी सेल्स को यहाँ से हटा देते हैं, क्वांटिटी बाय कैटेगरी कितनी क्वांटिटी किस से सेल हुई है, मुझे ज़रा ज़्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा है ये, इसलिए मैं इसको पाई चार्ट में वापस कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास पाई में आ गई। तीसरा ग्राफ जो है वो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ से आया था, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट हमारे पास आया था जी, इसको मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, क्वांटिटी को हटा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो टेक्नोलॉजी से आया है, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी सेल हुई है वो ऑफिस सप्लाईज़ की है, और सबसे ज़्यादा जो सेल्स आई हैं वो टेक्नोलॉजी से हैं। अच्छा, एक स्टोरी बिल्ड होनी शुरू होगी कि हमने सबसे ज़्यादा कहाँ से रेवेन्यू अर्न किया। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये जो प्रॉफिट अर्न किया है ये सेल्स क्वांटिटी और प्रॉफिट, ये नेक्स्ट स्टेप में कहाँ कहाँ पे जाके सेल हुई है। अच्छा, ये पेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है तो मैं इसको ज़रा बढ़ाने जा रहा हूँ, क्या करूँगा, कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं है, फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ पर कैनवस सेटिंग में चला जाऊंगा, कैनवस सेटिंग से मैं इसको कस्टम करने लगा हूँ और इसकी हाइट को भी मैं 1200 कर देता हूँ, तो रिपोर्ट का व्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब व्यू में जाएं और यहाँ से पेज व्यू को
फिट टू विड्थ कर दें ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए। ये जी हमारे पास रिपोर्ट के फर्दर विजुअल्स बन गए। अब मैं इसको एक नया ग्राफ ऐड करता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर। एक्स एक्सिस के अंदर हम ऐड कर लेते हैं सेल्स को और वाई एक्सिस में हम ऐड कर लेते हैं रीजन को। रीजन कहाँ पे गया जी हमारे पास, रीजन 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 ये आ गया। रीजन वाइज हमारे पास सेल्स आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। तो ये रीजन वाइज भी हमें सेल्स का आइडिया हो गया। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेशन करते हैं उसी तरह से जिस तरह पहले की थी। एक्स एक्सिस ऑन है, वाई एक्सिस ऑन है, ठीक है। डेटा लेबल्स भी ऑन कर लेते हैं ताकि नंबर्स का भी आइडिया हो जाए नंबर क्या क्या आ रहे हैं। उसके बाद अगर बार्स को कलर आपने चेंज करना है तो बार्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो सेल बाई रीजन है इसको हमने जनरल में जाएँ, टाइटल पर जाएँ और इसको भी सेंटर में कर दें और वही जो हमारा थीम चल रहा था वही कलर हम इसका भी कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल सेल्स भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना इसको होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, इसी तरह इसको भी होना चाहिए यहाँ पे ताकि ये एक सिमेट्री बन जाए। अब सेल बाय रीजन आ गई, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ पे। अच्छा, अब सेल बाय रीजन की बजाय हम इसमें क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, किस किस रीजन ने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है और सेल्स को हटाएं और क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी भी आप देख लें उसी तरह से। और फिर तीसरे नंबर पर इसे विजुअल को मैं कॉपी करके और इसमें मैं ऐड करता हूँ प्रॉफिट बाय रीजन। तो ये बाय रीजन मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया। उसके बाद यहाँ तक तो आपने इसका हाई लेवल नंबर भी दे दिए, फिर उसके बाद आपने इसको एनालाइज भी करके दे दिया कि कौन कौन से नंबर हैं। और हमने दो तरह के ग्राफ इसमें यूज़ किए हैं, बार चार्ट यूज़ किया है और पाई चार्ट यूज़ किया है। फॉर्मेशन इसकी इन तमाम ग्राफ्स की ऑलमोस्ट सेम होती है। आपने एक्सेस को एडजस्ट करना है, आपने उसके कलर्स को एडजस्ट करना है या आपने उसके जो लेजेंड्स हैं या टाइटल हैं उन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने ये जो आपने बाय रीजन चीज़ें दी हैं ये आपने बाय स्टेट भी दिखानी है। मैं इसको ड्रिल डाउन करते जा रहे हैं तो बाय स्टेट को दिखाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि मैं टेबल या मैट्रिक्स बना लूं और मैप बना लूं। तो हम करेंगे मैप के ऊपर काम। विजुअलाइजेशन के अंदर अब तक हमने जो चीज़ें सीखी, हमने रिपोर्ट या पेज का फॉर्मेट कैसे बनाना है वो सीखा, फिर हमने सीखा कि हाई लेवल नंबर्स कार्ड में किस तरह से डिस्प्ले करने हैं, फिर उनको समराइज कैसे करना है इन कॉलम बार या पाई चार्ट के अंदर या डोनट चार्ट के अंदर, वो हमने किया। अभी इस वीडियो में हम उन नंबर्स को दो तरह से दिखाएंगे, एक तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसका और दूसरा हम उसको मैप के ऊपर दिखाएंगे। ये दोनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। मैप में दो तरह के मैप होते हैं, एक पिन मैप होता है और एक जो है वो फील्ड मैप होता है। तो हम फील्ड मैप को यूज़ करेंगे और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम रोज एंड कॉलम्स के अंदर रहते हुए जिस तरह हम पिवट टेबल बनाते थे हम डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मैप ऐड करता हूँ, फील्ड मैप, और इस मैप को मैं राइट साइड पे ले आता हूँ यहाँ पे और इसको पेज के एंड तक ले जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें ना ये आप कह लें कि ज़्यादा डिटेल की चीज़ें हैं। अगले पेजेस में हम जब बना रहे होंगे तो हम मे बी सेल का अलग पेज बनाएं, क्वांटिटी का अलग बनाएं, प्रॉफिट का अलग बनाएं। इस मैप में आपके पास लोकेशन आ रही है और लेजेंड आ रहा है। तो लोकेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेट को इसमें ऐड कर लें
ये है जी स्टेट। अब जैसे ही मैंने लोकेशन ऐड की तो यहाँ पर अच्छा ये देखें, मे बी आप लोगों के पास भी ये एरर आया कि आपका जो मैप है ये एनेबल्ड नहीं है। आपने क्या करना है, फाइल फाइल में जाके आपके पास ऑप्शंस एंड सेटिंग्स है, उसके बाद ऑप्शंस है और ऑप्शंस के बाद यहाँ पर ग्लोबल का एक आ रहा होगा, ग्लोबल डेटा लोड पावर क्यूरी एडिटर डायरेक्ट क्यूरी आर सिक्योरिटी प्राइवेसी रीजनल सेटिंग अपडेट्स यूज डेटा डायग्नोस। करंट फाइल नहीं, हमें करंट नहीं, हमें ग्लोबल का करना है और ग्लोबल में जाके हमने करना है जी सिक्योरिटी। ये हमारे पास सिक्योरिटी आ गई और यहाँ से हमने मैप एंड फील्ड मैप ये ऑन करके इसको ओके करते हैं। उसके बाद मैं रिपोर्ट को सेव करता हूं और इसमें मैं स्टेट ऐड करूंगा लोकेशन में और मे बी लेजेंड के अंदर मैं कुछ प्रॉफिट को ऐड कर लेता हूं। प्रॉफिट का एक ऐसा सीन बनेगा कि वो मे बी कलर्स को, हाँ ज़बरदस्त। तो ये बन गया जी आपका फील्ड मैप उस प्रॉफिट के ऊपर। अब इसके अंदर मुझे ये लेजेंड शो नहीं करना, ये जो ऊपर आ रहा है ये मुझे शो नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा इसके फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से जाके लेजेंड को ऑफ कर दूँगा। फिल कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिल कलर में जाएँ और यहाँ पर एक लंबी लिस्ट होगी फिल कलर की, वो आप अपडेट करते जाएँ तो आपके फील्ड कलर चेंज हो जाएंगे। एक सेकेंड, ज़रा सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको। हाँ जी, फील्ड कलर्स, इसी तरह ये स्टेट एंड प्रॉफिट ये भी हम सेंटर में ले आएंगे। अब ये देखें यहाँ पर कितना प्रॉफिट कहाँ से आया उस हिसाब से इसने। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते प्रॉफिट के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर करना चाहें क्वांटिटी के ऊपर कर लें, नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं। उसके बाद जनरल में जाएंगे और यहाँ से टाइटल में जाके इस टाइटल को बाकी विजुअल्स की तरह, एक तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे और दूसरा इसको सेंटर में करके बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा मैप बन गया, प्रिटी सिंपल था। अब मैट्रिक्स ऐड करते हैं और मैट्रिक्स में अगर आप इन्हीं विजुअल्स में देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का विजुअल है। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें अगर आप फील्ड सेटिंग्स में देखें तो रोज हैं, कॉलम्स हैं और वैल्यूज हैं, तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है। रोज में मैं कहता हूं कि आपके पास स्टेट है, स्टेट सबसे पहले आप इसमें कंट्री ऐड करें रो में, फिर रो में आप स्टेट ऐड करें और फिर तीसरे नंबर पे आप इसमें सिटी ऐड करें। तो आप इन तीनों तरीकों से आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे समराइज हो जाएगा। कॉलम्स, कॉलम में हम ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि किस कैटेगरी की सेल कहाँ पे ज़्यादा है, फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पर हम ले आते हैं सेल्स को, सेल्स लाना चाहें, क्वांटिटी लाना चाहें या प्रॉफिट लाना चाहें। तो हमने चूँकि यहाँ पर प्रॉफिट यूज़ किया था इधर भी हम प्रॉफिट ही यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें मेरे पास ये प्रॉफिट जो है इस तरह से आ रहा है। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ये स्टेट लेवल का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क में जाऊँ और न्यूयॉर्क में जाके मैं फर्दर सिटीज़ को देख सकूँ, तो मैं न्यूयॉर्क के प्लस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये न्यूयॉर्क के सिटीज़ की डिटेल आ गई है, किस सिटी से क्या क्या कितना कितना सेल हुआ ये आ गया, ये सॉरी कितना कितना प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस तरह से कर ली। मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज़ करता हूँ और ये जो चीज़ है इसके दरमियान में चूँकि डिस्टेंस काफ़ी वो है तो मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ।
इस लेवल पे, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं कोई लाइन चार्ट, कोई ट्रेंड लाइन दिखाने के लिए। लाइन चार्ट ऐड करें यहाँ पे, और इस लाइन चार्ट के अंदर आपने डेट लेनी है, ऑर्डर डेट, और कितनी कितनी क्वांटिटी आपने किस किस दिन में शिफ्ट की। तो उसके लिए मैं क्वांटिटी को ऐड कर लेता हूँ वाई एक्सिस के अंदर। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पर ये ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे के ऊपर आ रहा है, इसको कहते हैं डेट हायरार्की। डेट हायरार्की के ऊपर आप शो करना चाह रहे हैं तो डेट हायरार्की भी कर लें। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैं नीचे से डे को डिलीट कर दूंगा, ये क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट करूंगा, तो ये डेटा मेरा मंथली आ जाएगा जैन से लेके दिसंबर तक। फिर मैं मंथ को भी ख़त्म करता हूँ तो ये डेटा मेरे पास क्वार्टर बाई क्वार्टर आ जाएगा, और अगर मैं क्वार्टर भी ख़त्म करता हूँ तो ये मेरे पास 2014, 2015, 2016 और 2017, चार साल का डेटा इस तरह से शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन शो करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से जाके ये डेट हायरार्की के ऊपर ऑर्डर डेट आ रहा है, ये सिलेक्ट कर लें। अब ये प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में आ गया है, हर चीज़ उस डेट के हिसाब से शो हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप इस डेटा को किस तरह से विजुअलाइज करना चाह रहे हैं या किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी बजाय अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम डेट की हायरार्की में जाएंगे, और हायरार्की से हम सिर्फ इसको क्वार्टर तक ले जाते हैं, मंथ भी ख़त्म कर दें, डे भी ख़त्म कर दें। तो ये मेरे पास हर एक का क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर आ गया। अच्छा, अगर मैं डेट हायरार्की में जाऊँ और मैं ये चीज़ें ख़त्म ना करूँ, तो उसका भी एक मैं आपको हल बताता हूँ, डेट हायरार्की। अब ये देखें, ये डे भी आ रहे हैं, मंथ भी आ रहे हैं और ईयर्स भी आ रहे हैं, तो मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ, फिर ड्रिल अप करता हूँ, फिर ड्रिल अप करता हूँ, तो ये मेरे पास ईयर ऑन ईयर आ गए हैं। तो जब मुझे ड्रिल डाउन करना है तो मुझे यहाँ से जाके इसको मैं ड्रिल डाउन कर सकता हूँ, जिस लेवल की भी मुझे ये नंबर्स देखने हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, मुझे यही वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दरमियान में आ गया सेपरेट वीडियो की बजाय, तो आपने इसको ज़रा थोड़ा सा जेन में रखना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, इस विजुअल को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर लाके क्लिक कर दें। अब आपके विजुअल्स की जितनी सेटिंग यहाँ पे थी वो सारी की सारी इस पर ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये तरीका है, आपने किसी भी एग्जिस्टिंग विजुअल का फॉर्मेट कॉपी करके नए विजुअल पे लेके जाना, उसके ऊपर आपके जो नंबर्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। अब कुछ अगर आप लेजेंड में ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्वांटिटी बाय ईयर है और मेरे पास कम से कम क्या चीज़ थी, आई बिलीव मेरे पास कम से कम या कैटेगरी थी और या रीजन थे, हाँ कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं लेजेंड्स के अंदर, और इस कैटेगरी को लेजेंड्स में ऐड करके हम इसको कुछ इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कौन सी क्वांटिटी का क्या शेयर बनता है उस साल के, उस साल में कितना शेयर बनता है किस क्वांटिटी का। तो ये देखें, यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें, ये हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ हैं और ये फर्नीचर है, तो इन एनी केस हमारे पास जो ऑफिस सप्लाइज़ हैं ये ज़्यादा सेल हो रही हैं हर एक साल के अंदर। अब इसको भी हमने फॉर्मेट करना है, इसको मैं क्या करता हूँ कि लेजेंड इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, टॉप सेंटर, नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे बॉटम में रखा था तो हम उसी सिमेट्री को लेके चलते हैं, बॉटम सेंटर, ये चीज़। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम टेबल्स के ऊपर काम करते हैं या जब हम मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें सम केसेस जब परसेंटेजेस के ऊपर काम करें तब भी हमें ये करना पड़ता है, और अगर हम नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और नंबर्स को हम हाईलाइट करना चाहें तब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3-4-5 मरतबा तो बड़ी आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसको सीख जाएंगे। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आपने उस विजुअल को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट को साथ साथ सेव करते जाते हैं ताकि हमारा डेटा वेस्ट ना हो। अच्छा, अब मुझे इस रिपोर्ट में जो नंबर्स हैं इनको कंडीशनली फॉर्मेट इस तरह से करना है कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव आ रहा है यानी कि 0 से कम है तो फिर वो रेड हाईलाइट हो जाए,
हम फॉन्ट पे भी करके देखेंगे और हम बैकग्राउंड पे भी करके देखेंगे। अगर मेरा नंबर $0 to $1,000 है और हम ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या हम ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट है तो $1,000 से अगर कम प्रॉफिट है और ज़ीरो से ज़्यादा है तो फिर वो येलो में आ जाए या किसी और कलर में आ जाए। और अगर वो $1,000 से ज़्यादा की हमें रेवेन्यू दे रहा है तो फिर हम उसको ग्रीन करना चाहेंगे। इस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से अगर आप देखें तो सेल एलिमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। अब सेल एलिमेंट्स में आप फॉन्ट कलर को ऑन कर लें। अब ये फॉन्ट कलर के साथ यहाँ पे देखें फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया, किसी को डिम कर दिया, किसी को डार्क कर दिया, इस तरह से। अगर आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये सारे आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। यहाँ से देखिएगा ये, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे फॉन्ट कलर पे क्लिक करके, इस फार्मूला पे क्लिक करके इसको चेंज करना है। सबसे पहले फॉर्मेट स्टाइल क्या है जी, मुझे ग्रेडियंट नहीं करना, मुझे रूल अप्लाई करना है। और वैल्यूज़ के ऊपर करें या वैल्यूज़ एंड टोटल के ऊपर, तो मुझे वैल्यूज़ पे भी करना है और मुझे टोटल्स के ऊपर भी करना है। सम ऑफ प्रॉफिट पे है, ठीक है, और समराइज डेफिनेटली सम हो रहा होगा। इफ़ वैल्यू इज ग्रेटर देन, अब ये जो ग्रेटर देन है ना, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। और ये परसेंटेज नहीं मुझे चाहिए, मुझे बेसिकली नंबर चाहिए। तो मैं पहले इसको ज़रा ज़ीरो करूँ, और सम है, सम ऑफ प्रॉफिट है, टोटल एंड वैल्यूज़ हैं। यहाँ से मैं इसको पहले वैल्यूज़ करता हूँ, नंबर करता हूँ और फिर मैं इसको सम एंड वैल्यू करूँगा। अच्छा जी, इसको मैं कम से कम नंबर से लेके ज़ीरो से कम तक का जो नंबर है उसको मैंने, उसका जो फॉन्ट है वो रेड करना है। रेड का जो कलर कोड है वो FF00 है, ये आपने याद रख लेना है। तो मेरा फॉन्ट जो भी लेस देन ज़ीरो होगा वो रेड हो जाएगा। मैं एक और रूल ऐड करता हूँ, उसी रूल की तरह ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा और लेस देन 1000 होगा, या मे बी लेस देन एंड इक्वल टू 1000। तो इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। अब ये फॉन्ट का कलर मैं कर रहा हूँ, या मेरे भी थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं इस तरह से। तीसरा क्या था, तीसरा था ग्रीन का, तो ग्रेटर देन 1000 और यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे तो मैक्स लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो डिलीट किया तो मिनिमम आ गया और यहाँ पे डिलीट किया तो मैक्सिमम आ गया। इसका मैं कलर करूँगा ग्रीन, और ग्रीन के लिए मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन यूज़ करूँगा इस तरह से। ओके कर दें जी। अब देखें कि हर एक नंबर जो है वो कंडीशनली फॉर्मेट हो गया। क्लोज करें, टोटल्स भी हो गए। अब ये चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सारे के सारे ज़ीरो से प्लस थे तो इसलिए सारे इस तरह से आ गए। जब मैंने एक्सपेंड किया कुछ स्टेट्स में नेगेटिव यानी कि लॉस भी हुआ है, कुछ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है और कुछ में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और किसी स्टेट को ओपन करें तो उसके अंदर जो सिटीज़ आ रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें बड़ा ईजीली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब मैंने चूंकि आपको ट्रेनिंग के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारी ट्रेनिंग होगी एक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, तो मैं एक एक विजुअल्स को जाके आपको उसके ऊपर काम करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बिल्ड करना सिखा रहा हूँ। समरी के साथ आपने नया जो टैब बनाना है वो टैब होगा आपका, इसको डुप्लीकेट करें, राइट क्लिक डुप्लीकेट, ताकि आपका वो फॉर्मेट वो सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी हो जाएं। और इसका नाम रख देंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट नाम रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट किया। ये टॉप के हेडर्स के अलावा बाकी सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है, और प्रॉफिट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पाई चार्ट ऐड कर लेता हूँ। ये प्रॉफिट के मल्टीपल पैरामीटर्स दिखाने हैं मैंने, तो इस दफ़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाई चार्ट से। हाई लेवल नंबर प्रॉफिट का हम ऑलरेडी समरी में दिखा चुके हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे पहले मैं बाय रीजन इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ। बाय रीजन प्रॉफिट क्या बनता है वो ये आपके सामने आ गया। फॉर्मेट जो है वो हम वही वाला यूज करेंगे जो हमने पहले ग्राफ्स में यूज किया हुआ है।
तो हम फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपके साथ 10-15-20 मिनट और ज़ाया करूँ फॉर्मेट के लिए। कॉपी करें विजुअल्स को, इसकी कॉपी बनाएं और इसको सेंटर में ले आएँ। अब यहाँ पे रीजन की बजाय आप कैटेगरी को ले आएँ। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है वो बाय कैटेगरी हो गया। और तीसरी चीज़ जो है वो मुझे अब डेटा में जाके एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि तीसरी क्या चीज़ हम कर सकते हैं। डेटा टैब पे जाएं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आईडी है, शिपमेंट मोड, यस, तो हम शिपमेंट मोड को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास सेगमेंट भी है, शिपमेंट मोड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सेगमेंट को ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेगमेंट हमारा जो है वो सेगमेंट वाइज प्रॉफिट आ जाएगा। शिपमेंट मोड का प्रॉफिट के साथ कोई ऐसा लिंक बनता नहीं है। अब यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, बाय रीजन भी, बाय कैटेगरी भी और बाय सेगमेंट भी। अब इसको हम मज़ीद ड्रिल डाउन करते हैं। कैटेगरी को हम सब कैटेगरी की तरफ लेके जाएंगे और जो हमारे पास रीजन है रीजन को हम स्टेट की तरफ ले चलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है सेगमेंट। तो सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि सेगमेंट को हम फर्दर ड्रिल डाउन किस चीज़ में कर सकते हैं। आई बिलीव सेगमेंट को, ये तो कैटेगरी हो गई, इसके साथ सब कैटेगरी हो गई। हम दो चीज़ों को नीचे लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, और दो चीज़ें होंगी हमारी, एक कैटेगरी, सब कैटेगरी, और दूसरा स्टेट। उसके लिए मैं कॉलम चार्ट ऐड करने लगा हूँ और इसको मैं 50% स्पेस दे देता हूँ। एक्स एक्सिस में सब कैटेगरी, अगर रीजन है तो फिर हम स्टेट ऐड कर लेते हैं, स्टेट स्टेट ये आ गया, और वाई कैटेगरी में हमारा प्रॉफिट ही चलेगा। इस तरह से कॉपी करें फॉर्मेट प्रिंटर से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। बल्कि हम एक काम करते हैं, हमने पहले भी कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं, तो मैं ये ग्राफ फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करता हूँ और इसको मैं जाके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ये बाय स्टेट मेरे पास इसके नंबर्स आ गए हैं। स्क्रोल बार भी है, आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट कहाँ पे है, लॉस कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यही चीज़ बाय सब कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे, बाय सब। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको लाइन चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं या कि आप इसको कॉलम चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हमने अब दो चीज़ें और कर ली हैं, हमने प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी भी कर लिया और प्रॉफिट बाय स्टेट भी कर लिया। फॉर्मेट करना बहुत आसान है और आपको एक चीज़ का बड़ी अच्छी तरह से आइडिया हो रहा होगा कि पावर बीआई के अंदर रिपोर्ट बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है और ये ऐसे ही है। अच्छा जी, इस स्टेप, दूसरा स्टेप, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट के ट्रेंड्स हैं वो क्या चलते रहे हैं। तो अब प्रॉफिट के ट्रेंड हम चूँकि हम यहाँ से तीन चीज़ों को लेकर चले हैं, बाय सेगमेंट, बाय कैटेगरी और बाय रीजन, हमने इन दोनों को ड्रिल डाउन किया लेकिन हमने सेगमेंट को ड्रिल डाउन नहीं किया। तो सेगमेंट वाइज हम देखते हैं कि हमारे डे वाइज जो ऑर्डर्स आ रहे हैं सेगमेंट के ऊपर वो कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपके पास दो ऑप्शन है, आप लाइन चार्ट भी ऐड कर सकते हैं या आप उसमें एरिया चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसमें लाइन चार्ट यूज़ करूँगा। एक्स एक्सिस के अंदर मैं इसकी ऑर्डर डेट ले लेता हूँ और वाई एक्सिस के अंदर मैं इसको प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें, इस तरह का एक मेरे पास ग्राफ बन जाएगा, लेकिन मुझे डेट हायरार्की नहीं करनी, मुझे ऑर्डर डेट को इस तरह से लेके चलना है। अब ये प्रॉफिट का मेरे पास एक लाइन चार्ट बन गया है। अगर मैं इसको मल्टीपल लाइंस में लेके जाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय सेगमेंट करता हूँ और उसको मैं सेगमेंट को लेजेंड में ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये मल्टीपल लाइंस आ गई हैं जो कि इसके प्रॉफिट या इसका लॉस शो कर रही हैं। अच्छा, इससे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आप एरिया चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं और या फील्ड चार्ट जिसको हम कहते हैं वो इस तरह से होगा, या आप रिबन चार्ट से ये ठीक रहेगा। तो ये आपकी मंथ ऑन मंथ या डे ऑन डे इसकी पल्स रेट आपके सामने आ जाती है कि आपका जो प्रॉफिट है, अब ये आउटलायर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस कंज्यूमर का इस जगह पे जाके
18.5 और फिर लॉस हुआ। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा लॉस है, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर आपको कार्ड नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं? ये टूल टिप है बेसिकली। ये डिफ़ॉल्ट टूल टिप ये है। अगर आप इसको मोल्ड करना चाहें अपने हिसाब से, एक अपनी टूल टिप बनाना चाहें, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा टूल टिप कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ की थी कि हमने इसके ऊपर ऐड किया था नेविगेशन बार ऐड की थी, तो नेविगेशन बार ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करेंगे, नेविगेटर है लास्ट पे, उसमें पेज नेविगेटर आ रहा है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस पेज नेविगेटर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे, मे बी यस, और इसकी शेप जो है इसको राउंडेड रेक्टेंगल कर लेते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया, और राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक से तो नहीं, लेकिन फॉर्मेट से जाके अलाइन से नहीं, सेंड बैकवर्ड में जाके इसको बैक पे सेंड करना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। अब ये इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है कि हमने इस विजुअल को ये कलर नहीं दिया हुआ, हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट की हुई है। तो इसका कलर चेंज करते हैं ताकि ये हाइड हो जाए। और इसका कलर सेट करने के लिए स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करके यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, और कलर को हम लाइट करेंगे। यस, आई बिलीव ये ठीक है। इसी को कॉपी करें, फॉर्मेट पेंटर पे जाएं और प्रॉफिट में जाके भी इसको ऐसे ही पेंट कर दें ताकि दोनों एक जैसी चीज़ें बन जाएं। फॉर्मेट, और इसको बैक पे सेंड कर दें ताकि हमारा ये चीज़ जो है इसकी ब्यूटी ना ख़राब हो। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, शेप को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और इसको भी बैक पे सेंड कर दें। अब कॉपी करें इसे और इस पे पेस्ट कर दें। यहाँ पर सेम पोजीशन पे आ गया, फॉर्मेट में जाएं और इसको भी बैक पे सेंड कर दें। अब आपकी रिपोर्ट के दो पेज बन गए हैं। मैं अगर इसमें समरी पे क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तो ये मुझे समरी के पेज पे ले जाएगा, और अगर मैं प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रॉफिट के पेज पे ले जाएगा। इसको भी बैक पे सेंड करने की ज़रूरत है, फॉर्मेट और बैक, तो ये प्रॉफिट के पेज पे ले जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें नेविगेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास वैसे तो दो ऑप्शन है, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सेल्स और क्वांटिटी का जो पेजेस हैं ये किस तरह से बनाते हैं। ज़रूर बनाइएगा और आप मेरे साथ शेयर ज़रूर किया करें। आप शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, आप शेयर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, आप यहाँ पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के इसी पेज के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। W3 Skillset के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और W3 Skillset के नाम से ही फेसबुक पेज है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी नोट कर लें, +92341946342। डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपको वीडियो के इस पार्ट को आप मिस कर गए तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। बोर्ड के ऊपर फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं और कितनी टाइप के फिल्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि फिल्टर यहाँ पर जो अप्लाई किए जाते हैं, ये चार तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक फिल्टर है जो स्लाइसर में आप ऐड करते हैं, एक फिल्टर है जो आप विजुअल लेवल फिल्टर करते हैं, यानी कि एक ही जो हमारा ग्राफ है उसको फिल्टर करते हैं उसमें से डेटा। एक फिल्टर है जो हम पेज लेवल पे अप्लाई करते हैं, और एक फिल्टर है जो कि हम रिपोर्ट लेवल पे अप्लाई करते हैं। जो पेज लेवल का फिल्टर है वो उस पेज के ऊपर जितने विजुअल हैं वो तमाम के तमाम विजुअल्स को फिल्टर, उसमें से जो चीज़ आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं वो फिल्टर आउट कर देता है। और रिपोर्ट लेवल फिल्टर जो है पूरे तमाम पेजेस के ऊपर, जितनी रिपोर्ट है सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। रिपोर्ट लेवल की एक एग्जांपल ये है कि अगर आप सिर्फ एक रीजन की ये रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या एक स्टेट की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप रिपोर्ट लेवल फिल्टर में जाके वो स्टेट या वो रीजन ऐड कर देंगे, वो ऐड कर देंगे और बाकी को हटा देंगे, तो डेफिनेटली इस पूरी रिपोर्ट जो उसके लिए बन जाएगी। उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
अब फिल्टर्स में देखें, यहाँ पर दो आ रहे हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, लेकिन जब मैं विजुअल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये तीन हो जाएंगे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज और फिल्टर ऑन ऑल विजुअल्स। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट्स से रीजन को पकड़ता हूँ और रीजन को यहाँ पर वैल्यूज में ऐड कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर नहीं ऐड करना था, रीजन को मैंने यहाँ पर ऐड करना। ये मेरे पास देखें सारे रीजन्स आ गए हैं, मुझे चाहिए सिर्फ वेस्ट का डेटा, तो मैं सिर्फ वेस्ट को ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे जितने भी फिल्टर्स हैं, जितने भी आप देखें यहाँ से भी देखें, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट के ऊपर आ गए हैं। वेस्ट की जो स्टेट्स हैं वो आएंगी वेस्ट। ये देखें यहाँ से भी फिल्टर हो गया, इस ये नंबर भी फिल्टर हो गए, ये भी फिल्टर हो गया और ये भी फिल्टर हो गया। अब चूँकि मैंने ये रिपोर्ट लेवल पर अप्लाई किया था, तो मैं प्रॉफिट में जाऊँगा तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। बाय रीजन सिर्फ वेस्ट रह गया, इनके ऊपर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी देखें ये स्टेट्स कम हो गई हैं, और इस पे तो आपको ऐसा सच वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि डेट तो सबके लिए एक जैसी चल रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपका फ़िल्टर जो है ये अप्लाई हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था पेज लेवल फ़िल्टर, अब ये फ़िल्टर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको मैं पेज ऑन दिस पेज पर कर देता हूँ। स्टेट को मैं उठा के ऑन दिस सॉरी रीजन को ऑन दिस पेज ले जाता हूँ और फिर दोबारा से मैं वेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये पेज तो आपका उसी तरह से दोबारा से फिल्टर हो गया, इसमें सिर्फ वेस्ट के नंबर्स आ गए। अगर आप प्रॉफिट पे जाएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट में आप तमाम स्टेट्स देख रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी तमाम स्टेट्स का डेटा है, यहाँ पर भी आपको देखें सारे रीजन नज़र आ रहे हैं, तो सारे के सारे रीजन्स दूसरे पेज पे आ रहे हैं, सिर्फ ये पहले पेज से समराइज हुआ है। अब तीसरी चीज़ हमारी क्या थी कि हम इसको विजुअल लेवल फिल्टर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो सेल्स प्रॉफिट का मेरे पास विजुअल आ रहा है ये वेस्ट का हो, बाकी सारी रिपोर्ट जो है वो एज़ इट इज़ हो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से भी फ़िल्टर हटा देता हूँ। अब देखें ये दोबारा से पूरा का पूरा USA आ गया, मैंने सिलेक्शन की और प्रॉफिट और स्टेट्स आ रहा है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ रीजन को यहाँ पे, रीजन और ये ऐड हो गया और इसमें से मैं सिर्फ वेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब फिर दोबारा देखिएगा आपका कोई और विजुअल जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा सिवाय इस एक विजुअल के। तो ये एक कॉन्सेप्ट था फिल्टर्स का, तीन तरह के फिल्टर्स का, विजुअल लेवल, पेज लेवल और रिपोर्ट लेवल। आई होप के ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। विजुअल्स के ऊपर अगर सिर्फ एक ग्राफ को हमने फिल्टर करना है तो कैसे करते हैं, एक पेज को फिल्टर करना है तो कैसे करते हैं, और पूरी की पूरी रिपोर्ट में से कुछ फिल्टर आउट करना है तो हम कैसे करते हैं। अब मैं ये फिल्टर हटा रहा हूँ। अब आ जाता है हमारा चौथी टाइप का फिल्टर जो कि स्लाइसर्स के जरिए हम ऐड करते हैं। अच्छा, जब भी आपने स्लाइसर का फिल्टर ऐड करना है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपका स्लाइसर हमेशा यहाँ टॉप पे, ये जो जगह हमने छोड़ी है ना ये स्लाइसर के लिए छोड़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं वो राइट साइड पे स्लाइसर दे रहे हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके स्लाइसर यहाँ टॉप पे इस जगह पे आ रहे हैं। ये देखें जी, रो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, रो नंबर 5 का जो पहला विजुअल है वो स्लाइसर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन क्लिक करने से पहले इंश्योर करें कि आपका कोई भी विजुअल सिलेक्टेड ना हो, तो डिसलेक्ट करते हैं इसको और उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे लिए एक नया विजुअल क्रिएट यहाँ पे रखा इसे। अब इसमें मैं रीजन ऐड कर देता हूँ, रीजन ऐड कर लें, स्टेट ऐड कर लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, कंट्री ऐड कर लें। मैंने इसमें रीजन किया तो ये मेरे पास चार रीजन आ गए। ये जो अभी व्यू आपको नज़र आ रहा है ये है क्या कहते हैं इसको, ड्रॉप डाउन और लिस्ट, ये लिस्ट व्यू है। तो लिस्ट व्यू में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आएंगे, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह इसके रिमूव कर देते हैं, फॉर्मेट में जाके स्लाइसर हेडर चाहिए, ठीक है, स्लाइसर सेटिंग, सेटिंग्स में मल्टी सिलेक्शन। अच्छा हाँ, पहले सबसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सिंगल सिलेक्शन पर रखना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन करना पड़ेगा, मल्टी सिलेक्शन विद कंट्रोल की करना है तो आप ये कर लेंगे और विदाउट कंट्रोल की करना है तो ये कर लेंगे, और अगर आप सिलेक्ट ऑल भी ऐड करना चाह रहे हैं इसमें तो आप सिलेक्ट ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जब मैंने इसको ऑफ किया हुआ था
तो ये नहीं था, अब मैंने इसको ऑन कर दिया। सिंगल सिलेक्शन करूंगा तो इसके साथ चेक बॉक्सेस की बजाय रेडियो बटन्स बन जाएंगे और मैं एक टाइम पे एक ही रीजन को सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो हम फिलहाल सिंगल सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर देते हैं और इसको हम शो सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो एक जनरल के अंदर है और उसमें जाके मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा। बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है, तो मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है वो बढ़ा देनी है ताकि मुझे ये वाला जो एक इम्पैक्ट आ रहा था वो नज़र ना आए। विजुअल बॉर्डर देना चाहें दे दें, हेड बाकी चीज़ें जो भी हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक तो हमने ये अप्लाई कर दिया, ये सिंपल था। आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर इस तरह का फिल्टर लगा सकते हैं। दूसरा है डेट का फिल्टर। डेट के फिल्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्लाइसर वही होगा, उसी स्लाइसर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें मैं स्टार्ट डेट ऐड कर देता हूँ या ऑर्डर डेट ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऑर्डर डेट आ गई। और यहाँ पर देखें, ये बिटवीन का फिल्टर है, इसमें आपके पास स्टार्ट डेट भी होती है, आपके पास एंड डेट भी होती है। एक दूसरी जो इसकी टाइप है वो है बिफोर, इस डेट से पहले पहले। तो उसमें जो स्टार्ट डेट है वो आपकी नहीं आती, जो एंड डेट है वो आ रही होती है। और एक होती है आफ्टर, उसमें स्टार्ट डेट आप चेंज कर सकते हैं, एंड डेट चेंज नहीं करते, इस डेट के बाद का डेटा दे दें। फिर उसके बाद अगर हम देखें फर्दर, तो हमारे पास लिस्ट ड्रॉप डाउन, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, रिलेटिव डेट है और रिलेटिव टाइम है। तो इसमें आप लास्ट कितने महीने का, लास्ट कितने दिन का, लास्ट कितने साल का, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वन मंथ, तो ये जो आखिरी एक महीना है उसका डेटा आ रहा होगा, जो कि इस वक्त बन रहा है 2022 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2022 का डेटा नहीं है इसमें, 2017 का है, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, अब बात करते हैं बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट डेफिनेटली बिटवीन वाला है, आपके पास सारी सिलेक्शंस आ जाती हैं। और इसी तरह ये वाला फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर दें, फॉर्मेट पेंटर, और इसको जाके यहाँ पर फॉर्मेट पेंट कर दें। मैंने सिर्फ इसका बैकग्राउंड उड़ाने के लिए ये किया था। बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से ये मैंने इस पे ऐड किए हुए हैं। आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप जब लगाएंगे तो उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से ये फ़िल्टर्स लगाएंगे, रिपोर्ट को ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा उस वक्त लगेगा जब आप ये रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करेंगे। फ़िल्टर्स तो यहीं तक हैं, विजुअल्स अभी ख़त्म नहीं हुए, एनालिसिस अभी ख़त्म नहीं हुए। आने वाली वीडियोस में हम डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा में से हम आउटलायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं, हमारे डिप या हमारे जो इंक्रीज़ है वो किस वजह से आया है, और ड्रिल डाउन कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को हर उस बच्चे के साथ शेयर करें, हर उस प्रोफेशनल के साथ शेयर करें जिस जो डेटा के अंदर या जो रिमोट जॉब लेना चाह रहा है या जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, जो पावर बीआई में अपना कैरियर बिल्ड करना चाह रहा है। ये चैनल और इसमें तमाम वीडियोज़ उन लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।